गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. सो क्लास, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी विल राइट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स सेम एज इन द फ्रैक्शंस. कीप इन माइंड, इफ द रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, ऑल द इक्विवेलेंट रेशनल numbers are positive, and if the number is negative, all the equivalent rational numbers are negative. I hope this question you can do it in homework. It is a very simple question. So let's look at the question number 8. In this you have to identify which of the following rational numbers are equivalent. Means aapko two rational numbers class de rakhe hain, and you have to tell ki the numbers are equivalent or not. So your question is 7 by 28 and 21 by 80. Now class, first of all, what you will do, you will see are the numbers in the lowest form. Here you can see this number is not in the lowest form. देखिए क्लास, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. इसमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और आपका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने का भी मेथड है, और भी डिफरेंट मेथड्स हैं. लेकिन हम जो हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. और एक चीज़ और है क्लास, अगर आप इसको रिड्यूस नहीं भी करेंगे तो आप डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी. तो पहले आप रिड्यूस कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हेन यू रिड्यूस 7 by 28, इट विल बिकम 1 by 4, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7. सो नाउ द नंबर इज 7 इन प्लेस ऑफ 7 by 28, दिस इज 1 by 4, एंड 21 by 80 इज सेम, बिकॉज दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म. नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 1 इज मल्टीप्लाइड बाई द न्यूमरेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई दिस डिनोमिनेटर, एंड द न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट. मीन्स 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 80, and 4 is multiplied by 21. Like this you will multiply. Now the product becomes 80, and here it is 84. Clearly these two are not equal. It means the rational numbers 7 by 28 and 21 by 80 are not equivalent. Now look at the question number B. This is 14 by 5 and 7 by 2. Both the numbers are in the lowest form, so directly we are doing the cross multiplication. So 14 multiplied by 2 and 5 multiplied by 7. So 14 2 is 28 and 5 7 is 35. Now see, these two are not equal. So what we can say, that 14 by 5 is not equals to 7 by 2. It means these two are not equivalent. Now look at the third. This is class 5 by 8 and 25 by 40. Now 25 by 40 is not in the lowest form, so let us reduce this first. When you reduce 25 by 40, both the numbers are divisible 5, you will get 5 by 8. Now see, these two rational numbers are same, 5 by 8 equals to 5 by 8. It means these two rational numbers are equivalent. यहाँ पर क्लास आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही आपने रिड्यूस करा आपको वही रैशनल नंबर मिल गया. इट मीन्स दीज टू आर सेम, है ना. वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम एज इन द फ्रैक्शंस यू हैव डन इट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्लास, आई टोल्ड यू अर्लियर, द डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव. मीन्स जो नेगेटिव साइन है वो आपका सिर्फ न्यूमरेटर में होगा, इफ द रेशनल नंबर इज नेगेटिव, एंड इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए. वो किसी से भी और कैंसिल नहीं होना चाहिए, रिड्यूस नहीं होना चाहिए. सो दिस इज 84 by 144. नाउ लिसन क्लास, इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू आर नोइंग द टेबल ऑफ 12, directly you can cancel it by 12. So 84 divided by 12 comes 7, and 144 divided by 12 comes 12. And if you are not knowing the table, and if it doesn't strike you, you can cancel it by
2 also. So first by 2, 84 divided by 2 comes 42, and 144 divided by 2 comes 72. दोनों को 2 से डिवाइड किया. फिर 42 और 72 दोनों ही फिर से 2 से डिविजिबल हैं. इनको आपने डिवाइड किया, यू गेट 21 एंड 36. बट नाउ 21 एंड 36 आर नॉट डिविजिबल बाई 2, बट बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3. So you will divide by 3. So 21 divided by 3 comes 7 and 36 divided by 3 comes 12. क्लास एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे कि मल्टीप्लाई किए जाते हैं सेम नंबर से इक्विवेलेंट नंबर्स लिखने के लिए, सेम वे जब आप उनको रिड्यूस करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है. पहले हमने दोनों को 2 से किया, फिर दोनों को 2 से किया, और फिर हमने दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस किया है, और आपको नंबर क्या मिल गया, 7/12. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हैं, आपको टेबल्स लर्न है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से आप स्टेप्स में भी शो कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका 56/88. ये भी क्लास 8 की टेबल में आता है. 8 7 56 एंड 8 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा. अदरवाइज आप 2 से कर सकते हैं. पहले आपने 2 से किया तो 28/44 आ जाएगा, फिर 2 से किया तो 14/22, और फिर आपने 2 से किया तो 7/11. द नेक्स्ट इज 72/-168. देखिए क्लास, के नेगेटिव रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो इसको आप बस डायरेक्टली शिफ्ट कर लेंगे न्यूमरेटर में. और अब आप अपने नंबर को रिड्यूस करेंगे, तो पहले मैंने इसको 2 से रिड्यूस किया तो 36/84, फिर 2 से किया तो 18/42, फिर 2 से किया तो 9/21, और फिर मैंने इसको 2 से तो अब होगा नहीं, फिर 3 से किया तो इट विल बिकम 3/7. सो द इक्विवेलेंट द स्टैंडर्ड नंबर फॉर दिस इज -3/7. माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और लोएस्ट फॉर्म में 3/7. दीज टू आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ये भी इक्विवेलेंट हैं. राइट क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10th. दिस इज, यू हैव टू राइट इन write the absolute value. You have to write here the absolute value. What I told you earlier class, what is the absolute value? Absolute value is the positive value of the number. Means number positive है या negative है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. उसकी उसका distance zero से कितना है, अगर उसको आप number line पर represent करते हैं, that is called the absolute value. तो distance हमेशा positive होता है, तो आपको केवल numerical value लिखनी है ignoring the sign. तो पॉजिटिव नंबर आपका आंसर में आएगा. तो 5/8, जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आपको ये मॉड का साइन यूज़ करना होता है. तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/9 इज 5/9 पॉजिटिव. -5/-9, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, बोथ साइन सेम है, दोनों नेगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है फिर भी पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और इसका आंसर पॉजिटिव ही हो जाएगा. दिस नंबर सी -7/11, इट इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर. व्हेन यू यूज द मॉड साइन इट विल बिकम पॉजिटिव. सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/11 इज 7/11, द पॉजिटिव नंबर. कीप इन माइंड द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th, राइट टू मोर रैशनल नंबर्स यूजिंग द पैटर्न. नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व हियर द क्लास पैटर्न एंड यू हैव टू राइट द टू मोर रैशनल नंबर्स. So here this is -4/9 minus. Now class C, look at the numerator, the digits are negative. 4, 6, 8, these are the even numbers, 4, 6, 8. So next even number is 10 and the next is 12. Negative sign you will put here. The odd numbers 9, 11, 13, 13 ke baad 15, 15 ke baad 17. So this is very simple. The B part is 2/15, 4/17, 6/19. So what we are doing, we are adding 2 in the numerator as well as in the denominator. So 6+2 becomes 8, 19+2 becomes 21. And then after 8+2 becomes 10 and 21+ becomes 23. This is all for today class. The rest questions we will do tomorrow. Do your work very nicely. Thank you.